करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। किसी भी एपी का हम nth टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हमने कहा, किसी भी एपी का हम nth टर्म निकाल सकते हैं, उसकी ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने टर्म है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को ही हमें निकालने के लिए एक्सरसाइज 5.2 में बोला जाएगा। अगर आपको लास्ट टर्म दे दिया गया है तो नंबर ऑफ टर्म पूछ ले। क्या हमने कहा कि अगर लास्ट टर्म आपको दे दिया गया है तो नंबर ऑफ टर्म पूछ लेगा, ठीक है, ऑर्डर्स पूछ लेंगे। और यही तीन चीज हमें एक्सरसाइज 5.2 में निकालना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो जनरल फॉर्मूला है en इज इक्वल टू e प्लस n माइनस 1 इनटू d। अगर यकीन माने तो बड़ा मजेदार का एक्सरसाइज है 5.2। उससे पहले लेक्चर नंबर 03 में हम एग्जांपल को कवर करेंगे, क्योंकि एग्जांपल इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं। उस एग्जांपल को छोड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उसको कवर करेंगे। और मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए एग्जांपल के जो क्वेश्चन है उसको कभी भी आप जो है इग्नोर मत कीजिएगा। चाहे आप कुछ टाइम के लिए मैं बोलूं अगर, तो एक्सरसाइज को इग्नोर कर देना, लेकिन एग्जांपल को मत करना, ठीक है। क्योंकि जो हमने एनालिसिस करके देखा वो ये देखा है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना पूछ के, ठीक है, कई बार एग्जांपल के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एग्जांपल के क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता एक्सरसाइज में होता है, ठीक है। तो हम जरा सा बात करें कि आप फैमिलियर क्या क्या है। तो आप फैमिलियर है फर्स्ट टर्म से, कॉमन डिफरेंस से, एन ऑर्डर है। एन क्या है, ऑर्डर है, और ए एन आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला और होता है एल इज इक्वल टू होता है ई एन, जहां पे आप ई एन की वैल्यू रख सकते हो। ये दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने का अपना तरीका। लास्ट टर्म भी सेम फॉर्मूला होता है, तो मैं इसमें नहीं लिखना चाहता लेकिन लिख दिया है, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा हमारा तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि आप जो है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 02 में आपको हमने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सिखा चुके हैं, और हमने फर्स्ट टर्म की पहचान करने के लिए आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। अब हमें यह सीखना है कि किसी भी एपी का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, कितने उसमें टर्म है ये निकालने के लिए सीखना है, ऑर्डर क्या है यह निकालने के लिए सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल को पकड़ते हैं और उसी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे कह रहा है फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द एपी 2,7,12। क्या कह रहा कि इस एपी का आपको दसवां टर्म निकालना है, ठीक है। अगर हिंदी बोले तो दसवां पद, ठीक है। तो टेंथ टर्म अपने को निकालना है, ठीक है, एपी गिवन है। तो कैसे करोगे जरा सा ध्यान देना। देखो यार, सबसे पहले तो आप एपी को लिख लो, सॉल्यूशन लिखो और एपी को लिखो, और यहां से मैंने भूल गया था लिखने के लिए, ठीक है। तो 2,7,12 एंड सो ऑन, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, उसको इंडिकेट करो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, और ये आपका थर्ड टर्म है, ठीक है। ये चीज हमने लेक्चर 1 और 2 में सीखा था, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए के बराबर होता है, यानी कि ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। याद करो जरा सा कि हमने आपको जो है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सिखाया था, यानी कि फिक्स्ड टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो आप क्या करते थे,
D1 इज इक्वल टू, हम चेक कर देते कि कोई एपी है या नहीं है, जो लिस्ट ऑफ नंबर हमें हमारे पास में दिया गया है क्या वो लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हमने सीख चुका है, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखें कि एपी की पहचान करने का क्या आपने क्या हमने सिखाया था, ठीक है। सबसे पहले उसे देखें, उसके बाद में आप आगे बढ़ें, आगे में चलते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा था कि A2 में से यानी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाना है, ठीक है। चलो घटा देते हैं, आगे वाला टर्म है 5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा अगर निकालने के लिए हम जाए तो यहां से आ जाएगा 5, यानी कि जो फिक्स नंबर है वो कितना है 5 है, ठीक है। 5 इंक्रीज होता जा रहा है, 5 इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब आगे में बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या करना है, ए पता चल गया, डी पता चल गया, अच्छा एक चीज और गिवन है आपके पास में, एन यानी कि ऑर्डर दिया हुआ है 10, ठीक है। एन इक्वल टू 10 दिया है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको A10, यानी कि एन के प्लेस पे अगर हम 10 रख देंगे तो इसकी वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि An इज इक्वल टू होता है A+(n-1)(d) होता है, ठीक है। जहां जहां n है वहां पे आप 10 रखते हैं। A अगर देखें तो A अपने पास में कितना है, 2 है, प्लस 10-1(d) कितना है आपके पास में, तो 5 निकाल के हमने लेके आए हैं, ठीक है। तो 2 प्लस अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 मिल जाएगा और ये 5 से प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो 2 प्लस 9 बचे 45, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 47, यानी कि जो 10th टर्म है यानी कि 10वां टर्म जो है वो अगर आप इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, क्या हमने कहा, हमने ये कहा कि अगर आप इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे, खोल के लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, तो 10 जो 10 टर्म आएगा, जैसे A3 पे ये सीरीज बंद है, ठीक है। आप आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट सीरीज जो A4 बनेगा, ठीक है, 5-5 का डिफरेंस है तो 17 आ जाएगा, फिर आप 5 उसमें जोड़ोगे 22 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब जोड़ते हुए आप चलेंगे ना, तो जो आपको 10th पोजीशन पे आएगा वो नंबर आएगा 47, और यही अपने को निकालने के लिए बोला गया। तो हमने क्या इस क्वेश्चन से एनालिसिस किया, इस क्वेश्चन से हमने ये देखा कि अगर हमारे पास में ऑर्डर गिवन है, हमसे बोल दिया अभी कि 10 टर्म निकाल के बताओ, तो हम ये बता दिए डायरेक्ट कि हाँ चलो फॉर्मूला अप्लाई किए, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने बता दिया कि जो 10th टर्म होगा वो नंबर 47 होगा, क्या होगा, 47 होगा, ठीक है। अब आगे में बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 में हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत मजा आएगा इसका क्वेश्चन करने के लिए, बस आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। आगे में चलते, लिखा विच टर्म ऑफ द एपी 21, एपी अपने पास में एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं, ठीक है बाबू, एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं, एग्जाम्पल 4 में हमें एपी गिवन है, एपी गिवन है 21, 18, 15 इज 81। अभी बताता हूं, समझाता हूं, परेशान मत, हमसे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81, ठीक है। आपको यह बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 81 है, -81 है। आगे में कह रहा ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इनमें से भी कोई टर्म है जो जीरो है, ठीक है, चेक करेंगे, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं। आने की अपने पास में क्या गिवन है, जरा सब निकाल लेते हैं। तो पहले एपी लिख लें, एपी लिख लें, एपी हमने लिख लिया क्या है, 21, 18, 15 इज 81, ठीक है, लास्ट टर्म। तो जरा सा देखो क्या ये फर्स्ट टर्म है, क्या ये सेकेंड टर्म है, क्या ये थर्ड टर्म है, क्या ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ए एन, बताओ अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, क्या मैं रिप्रेजेंटेशन सही कर रहा हूं, ठीक है, क्या फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड, और थोड़ा सा इसको मिटा के 81 है, ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है। अब जरा से यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू A1 के बराबर होता है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा यहां से
21। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ए टू माइनस ए वन होगा, तो ए टू माइनस ए वन हमने कर दिया। सेकेंड टर्म देखा जाए तो 18 माइनस फर्स्ट टर्म देखा जाए तो 21, हाँ या ना बता। ठीक है, जैसे सबट्रैक्ट करोगे माइनस 3 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया, हाँ या ना बता। ठीक है, आ गया। अब अपने को ए एन भी गिवन है, ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म अपने को गिवन है माइनस 81 है। ठीक है, क्या निकालना है, तो निकालना है हमें ये निकालना है कि मुझे ये बता दो कि n इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, चलो लास्ट टर्म है माइनस 81, ठीक है, फर्स्ट टर्म है 21, एन हमें नहीं पता, निकालना है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, आगे में चलते हैं, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो माइनस 3 है, ठीक है, माइनस 81, ठीक है, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एन माइनस 1, जरा सा इसको ऐड करो तो 2 102 माइनस के साथ में इज इक्वल टू माइनस 3, एन माइनस 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस इलिमिनेट हो जाएगा, बताओ। ठीक है, आगे में चलेंगे, 102 मल्टीप्लाई में है राइट, सॉरी लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा एन माइनस 1। ठीक, 3 बन गया 3, 3 3 जा 9, 1 यहां कैरी बचा 12 बन जाएगा, 3 4 जा 12, तो क्या आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 34। लिख सकते हैं एक दूसरे को चेंज करके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो n इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, 34 माइनस, तो प्लस, n इज इक्वल टू कितना आ गया 35। 81 जो है आपका वो कौन सा टर्म है, 35, यानी कि जो ऑर्डर है, यानी कि जो ऑर्डर है 81 का वो है 35। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिखते, चलो लिखते हैं, हेंस माइनस 81 इज द 35th टर्म। ठीक, आगे में चलते हैं, और आगे में चलेंगे, हमसे कह रहा कि क्या ये बता दो मुझे, है क्या मुझे ये बता दो कि कोई टर्म जीरो है। ठीक है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, तो कौन सा टर्म है जो जीरो है वो भी जरा चेक करते, देखना इस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे क्या कहना चाह रहा, इसलिए मैं आराम आराम से करवाऊंगा। ठीक है, आगे में देखिएगा, कह रहा क्या कोई क्वेश्चन, कोई टर्म जो है वो जीरो है। ठीक है, एनी टर्म जीरो, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, सेकेंड टर्म आपको पता है, थर्ड टर्म भी आपको पता है। ठीक है, तो आप आगे में चलते हैं। ठीक है, ए एन यही आ गया। ठीक, आगे में चलते हैं, देखते हैं एन की वैल्यू निकालना ही है अपने को। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, ए एन जीरो, फर्स्ट टर्म 21 प्लस एन माइनस वन, निकालना है कौन सा टर्म जीरो है, और कॉमन डिफरेंस देखें माइनस 3 आया हुआ है। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू 21, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एन माइनस 1, 21 को इधर लेके चले जाए तो माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एन माइनस 1, माइनस से माइनस इलिमिनेट हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 7 जा, ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। ठीक है, देयर फोर एन इज इक्वल टू 8, आने की जो आठवां टर्म है वो जीरो है। ठीक है, जो 8 टर्म है वो क्या है, जीरो है। लिखेंगे, हेंस द 8th टर्म इज जीरो, जीरो। ठीक है, जो आठवां टर्म है वो क्या है, वो क्या है, जीरो है। ठीक है, आठवां टर्म जीरो है। ठीक है,
पहले यहां तक कॉपी करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट करने के बाद में मूव करेंगे एक्सरसाइज पे, पहले से कॉपी किया जाए।